पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में लाख कोशिशों के बाद भी हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है, जिसके कारण आए दिन बड़ी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक और मामला मुरादाबाद जनपद में सामने आया, जिसमें देशी तमंचे से हर्ष फायरिंग की जा रही थी। हर्ष फायरिंग में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना कुंदर की क्षेत्र के जैतिया फिरोजपुर गांव का है, जहां पर सगाई का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में एक युवक नशे में धुत था। नशे में धुत युवक ने देशी तमंचे से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल छात्र को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक घटना के बाद फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सलीम, घायल कौन है आपके? ये मेरा भतीजा है। क्या नाम है इसका? मोहम्मद आशिक। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जाते हैं थाना कुंदर की। क्या घटना हुई इसके साथ? घटना इसी पड़ोस में लगन चल रही है जी। ये उस समारोह में गया था देखने के लिए, देख जाते हैं तो वहाँ पे किसी ने हर्ष फायरिंग की। अच्छा। और पता नहीं किस तरह से वो इसके लग गए हर्ष फायरिंग। मुझे नहीं मालूम कि असला लाइसेंस फ्री था या प्राइवेट था, क्योंकि जब हमें सूचना मिली उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे तो हाल अवस्था में पड़ा था। हमने तो सिर्फ तो ये दी है कि हर्ष फायरिंग की गई है लगन समारोह में। जब हमने किसी को देखा नहीं तो किसी के नाम ही नहीं दी। अच्छा। राजेंद्र सिंह ठाकुर के यहाँ पर प्रोग्राम था, उनके लड़के कल्लू की लगन थे, इस मौके पर पहुँच गए हैं। पहले हम इसको लेकर सी एस सी नजदीक पहुँचे प्राथमिक उपचार के लिए। उन्होंने बोला कि थाने जाओ पहले। फिर हम थाने पहुँचे, थाने से एक दरोगा जी वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल कुंदर के लोग, उन्होंने वहाँ पर पूरा छानबीन की। कुंदर की थाना क्षेत्र में लगन समारोह में एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई है। इसमें एक व्यक्ति को चोट आई है, जो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सर, जो फायरिंग की गई है वो अपना लाइसेंस ही था या अवैध असलहे से फायरिंग करना अभी बताया जा रहा है। पुलिस की छानबीन जारी है। और नवयुवक हैं जो बारात में ही वहाँ पर मौजूद थे।